समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर के किला मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रो पड़े। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान का दर्द दिल के बाहर आ गया। आजम अपनी पत्नी और एसपी प्रत्याशी ताजीन फातिमा के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अपने ऊपर हो रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। आजम खान पर 80 से ज्यादा मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है और कई मामलों की जांच भी चल रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 21 अक्टूबर को कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आजम खान के लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई रामपुर शहर के विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर शहर विधानसभा सीट से आजम खान की पत्नी को टिकट दिया है। आजम अपनी पत्नी के लिए प्रचार संभाल रहे हैं, प्रचार की कमान उन्हीं के कंधों पर है और इसी सिलसिले में जब एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वो दिखाई दिए तो उनका गला भर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। इतने बड़े परिसर में पौने 4 बीघा जमीन के कौन मालिक हैं जिन्हें कभी नहीं रोका गया? आए अपनी जमीन पर खेती करें, बाड़ी करें, जो चाहे करें, जिसे चाहे दें, हमें चाहे हमें दें, ट्रस्ट को चाहे ट्रस्ट को दें, लेकिन उन लोगों ने 13 बरस में कभी भी अपनी कोई शिकायत नहीं की, ना पुलिस में, ना थाने में, ना अदालत में, ना कलेक्टर साहब के यहाँ, ना दीवानी की किसी अदालत में 13 बरस। इसलिए हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिल रहा है, हमें न्याय मिलेगा। और जो लोग, जिन लोगों से हम पर सितम कराया जा रहा है, आज नहीं तो कल वो शर्मिंदा होंगे।